पुरानी वाली पोखरा की क्या पाठशाला से कौन कौन आया आ रहा था पुरानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पुरानी गीता पाठशाला एडवांस की जो पुरानी गीता पाठशाला है जहाँ पुराने पहले वहाँ से कौन कौन आया है एक दो तीन चार चार पाँच छः सात आठ बस आठ ही लोग आए हैं इसका आठ लोग हैं सभी आ गए कोई रह गया एक भाई रह गया एक माता और एक भाई रह गया तीन माता भी रह गई अरे ठीक है एक माता को तो दूर है कौन माता को दूर है अभी जो काठमांडू भी इकट्ठा हुआ पड़ा है काठमांडू के लोग भी हैं डंडा के भी लोग हैं डंडा के लोग कौन कौन हाथ उठा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आधा क्लास तो डंडा नहीं भर दिया नौ हाँ नौ बाबा हम लोग ने नॉलेज भाई जी ने फोन किया हाँ आप क्या है इस प्रकार से गंडा में हम सोचा किसी ने गंडा तो नहीं ना दिया अपने एरिया के गाँव का भी नाम नहीं जानते बताओ घर से दूर है हाँ पाँच घंटा दूर है जितना काठमांडू दूर है उतना गंडा भी दूर है लेकिन संख्या ज्यादा हो रही है वहाँ की पोखरा वालों से पोखरा से ज्यादा हो रही है हाँ ध्यान रखना पोखरा वाले सेवा नहीं कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं बाबा लेकिन ब्रह्मा कुमारी जी के लोग ऐसे मुट्ठी में पकड़ बैठे हुए मुट्ठी में कमजोर को पकड़ा जाता है बकरी को मुट्ठी में पकड़ा जाता है कि शेर को पकड़ा जाता है तो बकरी बन गए इसका मतलब डंडा वाले शेर हो गए अभी आगे फिर डंडा वाले भी आके तुमको पकड़ लेंगे विष्णु के सहस्त्र नाम इसीलिए गाये हुए हैं कि ब्रह्मा की हजार भुजाएं गाई हुई ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हजार सहयोगी बनते हैं तो ब्रह्मा तो क्या बन जाता है विष्णु बन जाता है तो ब्रह्मा कहता है कि अरे हम अकेले क्यों विष्णु बने हजार लोगों ने हमारी सहयोग किया है तो उन लोगों का भी नाम अपने अपने साथ जोड़ के रखेंगे अकेले नहीं जैसे शिवबाबा कहते हैं अरे हम अकेले अपना नाम क्यों रखते दुनिया में शंकर ने भी तो हमको बहुत सहयोग दिया ना जी जान से सहयोग दिया है तो शंकर का नाम अपने अपने साथ ही रख लेंगे तो शिव शंकर ऐसे कहा जाता है ना तो ऐसे विष्णु जी महाराज ने क्या सोचा अरे हम अकेला अपना नाम क्यों बाला करें अपने नाम के साथ जो हजार सहयोगी बने हैं बने कि नहीं बने जब ब्रह्मा के रूप में हजार ब्रह्मा की भुजाएं सहयोगी बने तो वो उनको विकास के इसलिए विश्व सहस्त्र नाम बता नाम कब पड़ता है कुछ काम किया होगा तभी तो नाम पड़ेगा तो विष्णु के साथ वो हजार भुजाओं ने काम किया है ब्रह्मा की भुजाओं के रूप में इसलिए विश्व सहस्त्र नाम पड़ा हुआ है शंकर जी का सहस्त्र नाम नहीं है क्या
तो बेचारे अकेले रह गए। शंकर जी को बुरी भुजाएं दिखाई जाती है क्या? नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा चार भुजाएं दिखा देंगे, दो शंकर जी की, दो पार्वती, दो शंकर की, दो पार्वती, बस इससे ज्यादा नहीं। बाबा ये बाबा में तो नया दुनिया तो आने वाला है, लेकिन बाबा ये नाम बताते हैं कि एक सेकंड आगे से आप ये चेंज हो रहा है, क्यों बाबा? एक ही सेकंड चेंज नहीं हो रही दुनिया, नहीं नहीं तो चेंज होने वाला टाइम है, आगे बता देना कि क्या चेंज होने वाला है। बाबा जो बताते क्यों नहीं? बाबा ज्योतिषी हम बच्चों को बनाने आया हुआ है कि बाबा खुद ज्योतिषी है, बाबा बच्चों को ज्योतिषी बनाया होगा ना, मन चिंतन मंथन करो और नई नई पॉइंट निकालो, मेरी बातें निकालो, दुनिया में घोषणा करो ये बात सच्ची है। शंकर वाली आत्मा की वाइब्रेशन जब विशेष होते हैं, शंकर वाली आत्मा जो विशेष जब सगुण प्रधान होते हैं समय प्रधान होती है उस समय शंकर जी कहाँ होते हैं? देर आ रही है ना बाबा, कहाँ की बात कर रहे हैं? संगम युग की बात कर रहे हैं या सचिव प्रेता द्वापर कल युग की बात कर रहे हैं? कलयुग के अंत में तो सभी ही मिक्स है, कोई ऐसा मनुष्य मात्र नहीं है जो शुद्ध हो। भक्ति नहीं करेंगे तो हर बार ही बहुत क्वेश्चन उठते हैं, भक्ति नहीं करेंगे तो सब क्वेश्चन भी करते हैं, पिछली बार भी कहा था ये, भक्ति करेंगे तो क्वेश्चन करने के बाद फिर क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से निकलने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे बोलते रहेंगे क्या फायदा, क्लास में दूसरों को डिस्टर्बेंस तो करेगा। और नारायण को लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में क्यों दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्यों दिखाते हैं? एक होते हैं लेफ्ट भुजा बाई भुजा और एक होती है दाई भुजा, झाड़ के चित्र में है जैसे कि बाई ओर के धर्म है कौन कौन से, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये बाई ओर के धर्मों में ज्यादा विचार है या जो दाई ओर के धर्म है बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, इनमें ज्यादा विचार है, ज्यादा तलाक प्रथा कौन से धर्मों में, तो गंदे हैं या ये गंदे हैं, वो गंदे हो गए बाएं ओर वाले, बाएं हाथ से गंदा काम किया जाता है गंदगी सफाई की जाती है या दाएं हाथ से गंदगी सफाई की जाती है, बाएं हाथ से गंदगी सफाई करते हैं, तो लक्ष्मी अच्छा काम करती है खराब काम करती है, है वो तो पवित्र रहने वाली है और जन्म जन्मांतर लक्ष्मी पवित्र रहती है, एक जन्म की तो बात नहीं, पार्वती का तो विरोधी था, जन्म जन्म लगी रगर हमारी वरों शंभु न तू रहो कुंवारी, या तो शंकर जी का वर्ण करूंगी और नहीं तो मैं कुंवारी रहना अच्छा है, मैं किसी दूसरे के साथ शादी, दूसरी आत्मा के साथ मेरा वर्ण नहीं होना चाहिए, तो अनेक जन्मों की जो प्योरिटी है जिसमें आत्मा में भरी हुई होगी उसको राइट हैंड की तरफ रखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखना चाहिए, इसलिए रखा होगा, खराब काम कर दिया है नारायण ने, खराब काम कर दिया क्या नहीं, चरण दबाते हुए तो संगम युग का चित्र है कि नहीं सतयुग का, तो पसंद नहीं आया था ना, ब्रह्मा बाबा को इतनी अकाली नहीं थी कि कौन से चरण है, तो बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है, सारी दुनिया की आनियां परेशानियां सब अपनी अपनी समस्याएं उनको सुनाएंगे,
विष्णु महाराज ने तो माथा नहीं दर्द कर रही हो, उन्हें उन्हें इतनी अकल नहीं थी ना, वो समझते स्थूल पांव दबा रही होगी, स्थूल पांव दबाने की तो बात ही नहीं है, कौन से पांव दबा रही है, और बुद्धि रूपी पांव को दबाती है अपनी पवित्रता के बल से। बाबा ये जब नया दुनिया आने वाला है, इस समय मुरली में बोला है कि उसमें राजस्थान सभी को ले जाएंगे, ये राजाओं के स्थान में ले जाएंगे, राजाओं के राजस्थान नहीं है, राजाओं की वो राजस्थान तो स्थूल है, राजाओं के स्थान में ले जाएंगे, राजाओं के स्थान की राजधानी वहाँ जयपुर होगी, वहाँ फिर किसी की हार हार नहीं होगी, जय ही जय होती रहेगी, कहते हैं न जय श्री राम। स्थूल में भी जयपुर है ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, स्थूल में है तो सूक्ष्म में भी होगा। जरा सिंह को भीम ने युद्ध में दो टुकड़े कर दिया, जिससे फाड़ दिया, हाँ, जुड़ता है फिर जिंदा हो जाता है, और किसने उसको इशारा दिया कि उसको ऐसे फेंक दो? कृष्ण ने इशारा दिया भीम को, कि तुम इसको बीच से अलग अलग करके और उल्टी दिशा में देख लो, क्या इसका अर्थ ये है कि वो दोनों तरफ का है, जरा सिंधी क्या नया सिंधी थोड़े ही है, कैसा सिंधी है, जरा माने पुराना पुराना सिंधी है, बहुत पावरफुल है ये, दोनों तरफ से तैयार होता है। जब ब्रह्मा बाबा फिर हैदराबाद छोड़ के आए और दुकान उन्होंने अपनी कहाँ रखी, कलकत्ते में, तो पूर्व साइड में आ गए कि पश्चिमी गए, पश्चिमी सभ्यता कह गए, पश्चिम नहीं कलकत्ता है, पूर्व में, पूर्व में आ गए तो दो हिस्से हो गए, प्रजापिता तो था ही पूरब का, लेकिन वो भी किधर आ गए, पूरब में आ गए, तो दोनों मिलकर के एक हो गए, तो दोनों क्या है हुए वास्तव में, दोनों ही मिलकर के जरा सिंधी हो गए, पुराने सिंधी कौन हुए, एक ब्रह्मा बाबा ही पुराना सिंधी नहीं है, राम वाली आत्मा ही पुराना सिंधी है। अज्ञान का अंधा हुआ, जिसने सारी धन संपत्ति हड़प करके अपने कब्जे में ले ली वो धतराष्ट हो गया, यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ, अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बात चाहिए, तो अलग कौन है, अलग कौन है जो पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, राम वाली आत्मा आदि में भी पुरुषार्थ में खड़ी थी और अंत में भी अभी पुरुषार्थ में खड़ी है और अंत तक भी पुरुषार्थ में खड़ी रहेगी, इसलिए वो खड़ा झंडा हो गया, अलग को मिला अल्लाह, उसको क्या मिल गया अल्लाह, और बे जो कड़ा झंडा होता है उसको कहते हैं बे उर्दू, वो ब्रह्मा बाबा आदि में तो खड़े थे, लेकिन अर्थात में क्या हुआ, मत्तर में हार्ट फेल हुआ और गिर गए, पड़ा डंडा हो गया, देख भी बात चाहिए, क्यों पड़ा डंडा हुआ, क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं था कि ईश्वर आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है तो आपाधापी नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा, नहीं सब कुछ तेरा, यज्ञ की सारी संपत्ति जो है सारा जो मान मर्तबा है वो खुद लेकर के बैठ गई, देना चाहिए था प्रजापिता को, उनके साक्षात्कारों का रहस्य किसके द्वारा मिला, प्रजापिता के द्वारा, तो उसको गुरु मानना चाहिए ना, लेकिन ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आई, क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि ब्रह्मा बाबा की तो बड़ी दुकान थी और भागीदार की छोटी सी दुकान थी, तो छोटी सी दुकान छोड़ करके उनकी बड़ी दुकान में आकर के नौकर बना था, तो नौकर को गुरु कैसे मान ले, ये मान मतलब आ गया,
तो अज्ञान के अंधे हुए या ज्ञान हुआ? अज्ञान के अंधे हुए, बाप को नहीं पहचाना, ये बाप का पार्ट है। इसलिए धृतराष्ट्र कहा जाता है। धृत माने धर ले, राष्ट्र माने धन संपत्ति, माने एक की सारी धन संपत्ति उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। तो वो ये कुमार का राजी ने अपनी अज्ञान की पट्टी नहीं बांधी अपनी आंखों में, बांधी भी नहीं बांधी, जान बूझ करके सारा सब कुछ समझती थी सच्चाई क्या है, फिर भी आंखों में पट्टी बांध करके बैठ गई कि ये ज्ञान झूठा है। कौन सा ज्ञान? एडवांस ज्ञान। सबसे पहले तो एडवांस ज्ञान दादी के सामने रखा गया, जो जो बात निकलती गई एडवांस ज्ञान में सारी निकली करके हेड ऑफिस में भेजी जाती रही रजिस्टर्ड कोर्ट से। आप सबकी बात नहीं झूठा है, नहीं गलत है, हम नहीं तो नहीं। मुसलमान लोग क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं और कान में कान में उंगली दे लेते हैं। हम सच्चाई में सुनेंगे ही नहीं। उनके यहाँ मान्यता भी है कि अगर गंगा जी का जल काबा में जाके कोई चढ़ा देगा तो दुनिया का हमारा हमारे सारे हमारी कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए बहुत मिलिट्री रखते हैं इस बात के लिए। असली बात क्या है? जो ज्ञान जल है अगर माउंट आबू में पहुंच जाए और वहां के सब भाई बहनों को सुना दिया जाए तो क्या होगा? इस्लाम धर्म का खात्मा हो जाएगा। जी वो कान में उंगली देने वाले हैं, हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, तो सब नष्ट हो जाएंगे। हम बीके में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है या देवता धर्म की संख्या है? मुसलमान सब मुसलमान है, कोई कान में उंगली देने हम नहीं सुनेंगे, हमको मत सुनाओ। नीली मक्खी का आश्रम किस समय और किस समय कैसे चलेगा? नीली मक्खी कहा जाता है नीली मक्खी। हाँ वो अभी जो बाबा की मिठाई में नीली मक्खी होती है, नीली मक्खी किस बात का सूचक है? किस समय और किस नीली मक्खी विषैली मक्खी का सूचक है? विषैली मक्खी है यहाँ भी विषैली ज्ञान में चलने वाले विषैले ज्ञान में भी चलते हैं और व्यभिचार में भी चलते रहते हैं। किसका मकना है ज्यादा? जो विषैली मक्खी होगी वो व्यभिचारिणी होती है, व्यभिचारिणी होने के कारण फिर वो सत्यानाश करेगी, बीमारियां फैलाएगी। और शहद की मक्खी ऐसी होगी इसीलिए भी तुलसी दो तरह की होती है, एक तुलसी होती है हरी तुलसी और दूसरी तुलसी होती है काले पत्तों वाली। तो काले पत्तों वाली जंगल में पनपती है कांटों के जंगल में, और जो हरी तुलसी होती है उसको घर में रखते हैं आंगन में रखी जाती है। तो वास्तव में दो माताएं हैं क्या? काला पाठ बजाने वाली दो माताएं हैं, एक काली और एक महाकाली। तो जो महाकाली है वो तो काली तुलसी हो गई और एक काली है, जो काली है वो इतनी काली नहीं बनती है, माना हरे पत्ते वाली होती है, उसको घरों में पूजा जाता है। पूजा जाता है, पूजनीय तो है, भगवान के साथ रहकर के उसने पवित्रता तो थोड़े समय तक धारण की, लेकिन उसको दरवाजे के बाहर रखा जाता है, कमरे के अंदर नहीं, कमरे के अंदर नहीं आते हैं। क्यों? घर परिवार में दरवाजे के बाहर आंगन में कौन बैठता है और अंदर कौन बैठता है? अंदर राजा रानी बैठते हैं और बाहर बैठते हैं। तुलसी से थोड़ी बेवफाई हो गई ज्ञान में चलते चलते, इसलिए वो दासी का बन गया।
क्या क्या मुरली में क्या बोला? मुरली में तुमको डायरेक्शन क्या दिया? तुम क्या समझो मुरली में जो डायरेक्शन? तुम सदैव यही समझो कि शिव बाबा बोलते हैं क्या? इससे तुमको शिव बाबा ही याद रहेगा। तुम ऐसा क्यों समझते हो ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, ये राम वाली आत्मा बोलती है? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा तो 63 जन्म में बुद्धू बन के रहती है, अज्ञानी बन जाती है। दूसरे याद करना चाहिए, तुम हमेशा यही समझो कि हमको शिव बाबा नहीं है, रामकृष्ण की आत्मा हमें पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है। हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? रामकृष्ण से भी जो ऊंचे। मुरली में बोला है ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले जरूर ब्रह्मा की औलाद बने होंगे। जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले जरूर ब्रह्मा की औलाद बने होंगे, जो सही बात। अभी जो ब्रह्मा का पार्ट है कौन है? जगदम्बा है कि नहीं? विष्णु का पार्ट है वैसे, शंकर का जो पार्ट है राम वाली आत्मा। ये तीनों बेसिक नाली में पढ़ाई पढ़ते रहे कि नहीं पढ़ते है? तो ब्रह्मा की औलाद बनेगी है? नेपाल और बाप से सारी बात माता करने करना चाहती है सलाह करके तो फिर ये बाबा जब आते हैं तो जिस स्पीड से आते हैं जिस जगह से सब वो भी बात करे माता करने। तो ईमेल तो चला है, ईमेल तो एक ही तो माता करने को पता इतना ये फ्री नहीं है, बंधन नहीं है मोस्टली करके। क्या बंधन? ईमेल में तो उतना पैसा भी खर्च नहीं होता, बंधन में तो है ना यहाँ पर। तो क्या हुआ, मार्केट नहीं जाती है? नियमित रूप में भाई है यहाँ पर, मार्केट नहीं जाती है क्या माता? मार्केट नहीं जाती है, मार्केट में तो जाती है। मार्केट में वो क्या नाम दुकान भी होती है कंप्यूटर की, चलाने की जरूरत नहीं, लिख करके ले जाना वो उसे दे दे। अज्ञानी आत्मा उसको पढ़ती लिखेगी फिर तो, जो अज्ञानी आत्मा या बाहर की तो बाबा के सामने जो लिखेंगी वो तो अज्ञानी आत्मा पढ़ लेनी चाहिए। मैंने पोता नहीं की बात कर रहे, जो अपने मन की कोई बात भी है तुझे अपने को सलाह ले जाती है तो नियमित रूप में भी भाई है मोस्टली करके मैसेज देने का या कोर्ट कराने के भट्टी ले जाने के नियमित। हाँ जल्दी जल्दी सर्विस करो, जल्दी जल्दी पार्टी है जाए उनके द्वारा भेज दो, क्यों नहीं सर्विस करते, क्यों घर में बैठे रहते? बाबा मना कर दिया है क्या? सर्विस मत करो, सब की तरह है इतनी ढेर सारी ब्रह्मा कुमार कुमारी दुनिया में फैले हुए, इतनी ढेर सारी बाहरी दुनिया फैली फैली हुई, किसी की भी सेवा करो, सेवा करके उनको तैयार करो, पार्टी तैयार हो जाए। नेपाल से पार्टियाँ जाती रहेगी तो साथ साथ चिट्ठियाँ भी जाती रहेगी, जाती है। मान लो कोई मान लो क्या सलाह लेनी है, सलाह लेनी है क्या? तो भाई से लेती है क्या? मुरली सलाह लेनी है, मुरली ने बोला है हर समस्या का समाधान मुरली से मिल सकता है, ज्यादा अज्ञान मत फैलाओ। भाई को सलाह लेती है तो क्यों लेती है जब मुरली से सलाह मिलती है हर चीज की? रोज की मुरली को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से अपने जीवन में टैली नहीं करते हैं तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। ध्यान देने में तो भाई है ही नहीं, ये ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से बनाए जाते हैं, बाबा की तरफ से नहीं बनाए जाते। तो सारी बातें उनको बताती है, उनसे क्यों बताती है जब मुरली को बाबा ना वो तो रहेगा, मुरली में तो बाबा ने मना कर दिया है, भाइयों होने में तो नहीं बनाना है। बाबा ने तो गीता पाठ वाली बात किसको बनाया? क्या कोई बात पूछनी है, राय लेनी है, देनी है? अमृत मेले बैठते हैं याद में? अब तो ये तो क्या अमृत मेले याद में बैठो, बाबा ने कहा अध्यक्ष हो जाओ, अध्यक्ष होकर के बाबा से डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बात का जवाब मिलेगा, जवाब सही भी होता है जो याद में बैठ करके जवाब दिया जाता है। लेकिन याद में बैठते ही नहीं, अमृत मेले ही सारा डब्बा गोल हुआ पड़ा। और पार्टियाँ ले जाने के लिए भी मान लो मोस्टली करके नेपाल में भी यही हो रहा है, पार्टियाँ भी जो भी ले जाते हैं तो भी एक ही भाई पश्चिम में जाएगा, एक ही भाई पूर्व में जाएगा, एक ही भाई बीच में जाएगा, एक ही भाई तो वो माता नहीं जाती भाई के साथ। हाँ जी
भाई साहब माताएं भी तो जाती हैं। भाई जब तक नहीं आएगा तो पार्टी नहीं जाती है। हाँ तो माताएं भी तो जाती हैं भाई साहब। भाई साहब माताएं जाती हैं। वो भी तो है ना वहाँ पर, वो भी तो वहाँ लोकल में और भाई बहन भी तो है ना, तो पार्टी ले जा सकते हैं। नहीं तो भाई भले ज्ञान भी सुनाए लेकिन माता को बीच में रखे। भाई भाई को ज्ञान सुनाए उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं, लेकिन भाई अगर माता को ज्ञान सुनाता है, कम उम्र की माता है, कम कोई कन्या है, तो बीच में माता को रख दे। ऐसी बात तो नहीं कि भाई ज्ञान सुना ही नहीं सकता। और कभी कभी जरूरत पड़ा तो हम दिल्ली में क्या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जरूरत पड़े कैसे कॉन्टेक्ट करें? तो मोबाइल है बाबा, टेलीफोन है, लेकिन तो कोई का ये नंबर है ये जैसे बाबा का जल्दी बात हो। अब बाबा कभी आंध्र प्रदेश होता है, कभी बेंगलोर होता है, कभी नेपाल होता है, कभी आसाम होता है। बाबा से तो इंडिया वालों का तो पूरा कनेक्शन रहता है। तब तो इंडिया जा भी हम फोन कर सकता है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर होगा तो हमको। लेकिन आपका मोबाइल नंबर नहीं, बाबा का मोबाइल नंबर अगर हजारों को दे दिया जाएगा तो सुबह से शाम तक बाबा की तो बत्ती बनती रही। बाबा वही मंत्री का जनता चाहिए तो चाहिए ना बाबा, चाहिए तो चाहिए। दिल्ली का भी है, दिल्ली का है, वो नंबर है, वो नंबर है, लैंडिंग नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है। लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन भी है, मोबाइल भी है। हाँ जी मोबाइल भी, मोबाइल हाँ वो किताब में है, किताब सब किताबों में क्या है माता जी से बात करना पड़ेगा। माता जी क्योंकि वो हाँ वही सत्रह बहन हो गया, कोई बहन हो गई, हमारा नंबर ये है बाबा जी, हमारी तुरंत बात करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, उसका पाप का बोझ आपके ऊपर चढ़ेगा। कैसे थोड़ा खड़ा करके बोल लो, ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत जरूरी है, हमारा नुकसान हो जाएगी अभी तो, कड़ा तो बोल, ये तो असली बात है। कोई माता पिता के एक लड़की बेटी होती है ना, उसको माता पिता ने पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बाद में वो लड़की को जिम्मेवारी संभालने पड़ता है माता पिता से, फिर नौकरी करने के लिए मना किया जा रहा है। यहाँ को तो नौकरी करनी नहीं, कन्या माँ बाप की परवरिश करेगी। नहीं जो एक लड़की होती है ना, एक लड़की होती है तो क्या हुआ, एक लड़की होती है, कन्या दूसरे घर की होती है, पढ़ाई घर की, कन्या को घर में डाल के रखेंगे तो पतित नहीं बन पड़ेगी, वैसे बन जाएगी। नहीं जो गलत बात है, उनको ऐसा गंदा गंदा हो गया है, कोई भी कन्या को घर में डाल करके माँ बाप नहीं रखते। वो कहना चाह रही है कि माँ बाप बहुत लाचार है, बेटा क्या लाचार है, वो काम ही नहीं कर सकते, रोटी खाने को भी नहीं है, तो वो कन्या किसका हिसाब किताब है, ये पूर्व जन्मों को कितना हिसाब होता है, माता है उनके माँ बाप, बच्ची का है, बच्ची की सर के ऊपर क्यों डालना, तो वो बच्ची तो वहाँ पैदा हुई है, तो पैदा होने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर चल रहे थे, ये कोई बात नहीं होती है, नौकरी नहीं करनी, कन्या को नौकरी नहीं करनी है, कन्या को नौकरी करेगी तो वैश्या बनेगी, दुनिया नहीं छोड़ेगी उसे, और इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा, माँ बाप के ऊपर चढ़ेगा, दुनिया पहले पूर्व जन्म से पाप करके तो आए ही है, जो निपूते हुए और फिर आओ दूसरा पाप कर दो। विदेशों में ऐसा होता है कि कन्या को महारानी बना के बैठा देंगे पढ़ा लिखा के, विदेशों में तो बात ही दूसरी है, वहां तो भाई क्या नहीं चलता है, धड़ाधड़ डाइवोर्स दो, धड़ाधड़ दूसरी शादियां करो, वैश्या के ऊपर वैश्या बनाते चले जाओ। तो कुछ
माता इसे दुकान के लिए उसे बहुत मजबूरी है। दुकान पर बैठा देंगे बताओ। अरे दुकान पर बैठा दो चाहे नौकरी करा दो, बात तो एक ही है। जात जात के लोगों की नजर पड़ेगी उसके ऊपर, वो तो कोमल कन्या है। माता की बात अलग है, माता मैच्योर्ड हो चुकी है, बैठ सकती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो माता बच्चों की परवरिश करेगी। कोई कोई पति ऐसे होते हैं काम ही नहीं करते, कुछ भी कोई काम नहीं करेंगे, सुबह शाम तक घर में बैठे निठल्ले बैठे रहेंगे, शराब पीते रहेंगे और खींच खींच के खाते रहेंगे। अब माता बेचारी क्या करे, उसे तो बच्चों को पाल लेंगे। कुमार है वो 12 साल का, कोई 13 साल का, और उनका यहाँ कोई नहीं है मानना, और वो चाहते हैं बाबा के पास। बाबा तो भाइयों को सरेंडर करते नहीं है, तो वो कुमार कहाँ जाएंगे? बाबा की दुकान पर नौकरी कर ले, यहाँ कोई नहीं, हम लोग रहे कैसे बाहर की दुनिया में? क्या नहीं लेना चाहते हैं सबको, बाबा थोड़ी रखेंगे, काम का होगा कुमार तो रखेंगे, और वहाँ जाकर के कांडगिरी करने लगा तो कौन कैसे रखेंगे? अरे कन्याओं परवरिश करने के लिए रखा हुआ है आश्रम, देखिए कुमारों के लिए रखो, कुमार चौराहे पर पड़ा रहे, कहीं भी सेवा करता रहे, किसी दुकान पे अपने रोटी दाल कमाता रहे, कन्या रहेगी चौराहे पर? नहीं, कन्याओं के लिए तो शरण चाहिए, और शरण दुनिया में कोई देता नहीं है। गौशाला गाई हुई है, बैलशाला नहीं गाई हुई है। हाँ कोई सचंद्र अच्छा कुमार हो, एक बार सेवा तो जा सकते हैं ना, कम से कम सेवा में जाएंगे तो बाबा देखिए मैं फिर अपने आप ही। हाँ जी आपस में ना बोलते तो भाई और तो कभी इजराइल होता है है क्या बात? और बाबा आज के सर्व सबसे है, जब सब मुरली के जवाब से भेज देगा बाबा से फालतू पूछते रहते हैं अलग से, बाबा सब बातें मुरली में तो बताते रहते हैं। बाबा तो भाई वाले की इच्छा होती है बच्चों की, बाबा से पर्सनल थोड़ा सुन लेंगे, बाबा को बात कर रहे हैं ना पर्सनली, तो बात तो पर्सनल, ये प्रश्न सबके थोड़े ही होते हैं, वो तो नेचुरल है। हां नेचुरल अपने अपने अंदर के जो प्रश्न है वो ही करते हैं, बाकी तो ही नाम ही है इसका बात अलग क्लास। इच्छा बुरा लगता है कृष्ण के सामने, जो मोरे को पांव सिखाते हैं कृष्ण के सामने मोरे का पांव सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने जैसी पवित्रता धारण की होगी, ऐसी पवित्रता धारण करने का पुरुषार्थ और किसी ने नहीं किया। क्या इसलिए पवित्रता की निशानी मोर दिखाते हैं, क्योंकि मोर पवित्र पक्षी है। विचार में जाने की तो बात दूर, वो तो विकार में भी नहीं जाता। क्या तो लिखा होता है ना बाबा, फिर 16,000 गोपी नहीं बनता है। 16,000 गोपियों का मतलब ये थोड़े ही कि वो पतित बनता था, उसकी शक्ति क्षीण होती थी क्या? जब शक्ति क्षीण नहीं तो पतित किस बात का? शिव बाबा को पतित कहेंगे? फिर शास्त्र में लिखा है तो मंदिर में रोज जाके देखते भी तो, और शिवलिंग कहाँ बैठा हुआ है देखते हैं। हाँ तो पति नहीं कि पावन है, क्यों माता क्यों सिखाते हैं? क्योंकि वहाँ होते हुए भी वो इंद्रियों से पतित नहीं है, शक्ति क्षीण नहीं होती है, अमोघ वीर्य कहा जाता है। इसकी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है तो फिर विरोध करते हैं। बाबा दुनिया में कोई बहुत कर रहा है ना, दुनिया में कोई बहुत कर रहा है ना, बहुत करते हैं व्रत कहा जाता है।
दुनिया में हत्या कर देते हैं। उसको स्कॉलर मिलेगा कि नहीं लगा? क्यों नहीं मिलेगा? इस जन्म में तो वो लोग कहते हैं कि हमारा कैसा है, हमारा धंधा है। हाँ हाँ, जो राजाओं के जमाने में राजा आर्डर करता था इसको फांसी दे दी जाए, है, और उस फांसी देने का काम राजा तो नहीं करता था, जो वध करने वाले चांडाल होते हैं वो चांडाल का धंधा था वध करना, तो वो फांसी लगाता था, उसका धंधा है वो थोड़ा ही फांसी लगाता है, जो लगवा रहा है उसको फांसी लगाने का आर्डर दे रहा है। वो लगाने का दोष है या उसका कोई दोष है? उसका तो धंधा है। नहीं, वो जो कह रहा है बताने के लिए है? वो तो कर्म देख के बोल रहा है, वो किसी का गलत बजा रहे, किसी को मारा है, कोई हत्या किया है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया कि उसको फांसी दिला दो, उसको ऑर्डर देने वाले कैसे लगा सकते? जो फांसी देने का आर्डर दिया है वो तो कोर्ट ने दिया, तो उसको तो नहीं लगा ना दो? नहीं, कोर्ट को नहीं लगा। नहीं, जो कह रहा है तो फांसी दे दो, जो कह रहा है तो वो उसको दोष क्यों लगेगा? उसने जो पाप कर्म किया है उस पाप कर्म की सजा दी गई। हाँ, तो उसको भी नहीं, न कोर्ट को फांसी की सजा है और न जो वध करने वाला है उसको कोई सजा मिलेगी? जो कर्म किया है उसे जो कर्म किसने किया? कर्म तो उसने किया, गलत काम क्यों किया? गलत काम किया तो कोर्ट ने सजा सुना दी, हत्या कर दो इसकी, और जो हत्या करने वाला चांडाल तो उसको तो पैसा मिलता है, रोटी दाल मिलती है, इसी बात की बाबा ऐसे सारी छोड़ता है वो बंद करने के बाद। हाँ, वो फांसी देने के बाद हाथ में निकल जाती है। हाँ, उसको जल्दी पुनर्जन्म मिलता है या फिर बंद के भूल जाए? हत्या तो अकाली मौत हो गई, हत्या जो हुई वो तो अकाली मौत हो गई, उसकी थी थोड़ा ही, उसकी अकाली मौत होती है, उसको सूक्ष्म परिधान करना पड़ता है। जबरदस्ती में किसी ने हत्या किया, उसका इशारा नहीं था ना, उसका आत्महत्या करने का इच्छा तो नहीं था ना दादा, दूसरे किसी आत्महत्या, अपने आप हत्या कर ली अपनी? नहीं, दूसरे ने हत्या किया, उसे आत्महत्या थोड़ी कहा जाता है। जो अपने आप अपनी हत्या कर रहे हैं उसको हत्या कहा जाता है, और दूसरे ने कोई हत्या करती उसको आत्महत्या नहीं कहा जाता है। फिर वो आत्महत्या अपने तक क्यों? क्या ये क्या कहना चाहते हैं? जो मरना नहीं चाहता किसी और ने मार दिया, तो वो तड़प क्यों रहा है? वो भटक भी नहीं, उसको जल्दी पुनर्जन्म मारा, जिसने और ने मारा उसका पुनर्जन्म का हिसाब किताब है ना, तभी तो मारा। पुनर्जन्म का कोई हिसाब किताब है कि उसने उसको हत्या कर दी? ऐसे थोड़ी कोई किसी को मार देगा, या इस जन्म का हिसाब किताब है इसलिए मारा? तो उसका पुनर्जन्म कब तक नहीं मिलेगा? ये कोई निश्चित नहीं होता है, किसी को जल्दी में मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है, वो भी पूर्वजन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। लेकिन ये हत्या करना, अपनी आत्महत्या करना, ये सब गंदे काम हैं, ये अच्छी आत्माओं के काम नहीं है। जो अच्छी आत्माएं होती है न किसी की हत्या करती हैं और न खुद अपनी हत्या करती हैं। वेदांती कब और कैसे आएंगे? वेदांति से ही क्यों लेना देना? और ढेर ढेर सारी ब्रह्म कुमारियां उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने वेदांति का नाम क्यों ले लिया? दूसरा दूसरी ब्रह्म कुमारी का नाम क्यों नहीं ले रहे? और दूसरी ब्रह्म कुमारी वो जानते ही नहीं, तो साधु सामने बैठी आप जानते हैं बोलते कहा अलग है। अरे वेदांति का नाम कहाँ से आ गया तू तो बताओ, किसने बताया? ये सभी ने बताया है बाबा। क्या बताया? दो चार साल आज से भी। हाँ, जब जिन्होंने बताया उनसे जाके पूछो ये तुमने नाम कहाँ से निकाला। बाबा ने तो बोला नहीं है किसी कैसेट में, किसी VCD में, किसी मुरली में, या बाबा ने किसी वार्तालाप में बोला हो तो बताओ। नाम कभी नहीं बताओ,
आवाहन करोगे तो आएगी। बड़ा आदमी होता है तो उसको बुलाने पे आता है कि बिना बुलाया आता है? बुलाने पे आता है। उनका बाप लक्ष्मी का बाप कौन है? तो ब्रह्मा बाबा बाप है ना। ब्रह्मा बाबा गुंजार दादी बुलाने के आते हैं बिना बुलाए आते हैं? उनका बाप भी बुलाने के आता है तो लक्ष्मी बिना बुलाए आ जाएगी। तो आप आह्वान करो बाबा, लक्ष्मी आह्वान करने के लिए तो घर की सफाई करनी पड़ती है। तो करो ना, महाकाली बनो और सफाई करो। तुम्हारा काम है तो तुम सफाई करो। महाकाली से सही है संगीत, झाड़ू उठाओ हाथ में। महाकाली दोनों हाथों में लेकर के हाथ झाड़ू खड़ी हुई सफाई करने के लिए तैयार है। तो बनोगे कीड़े मकोड़े साफ करेगा कीड़े मकोड़े शक्ति पैदा कर साफ करेगा। गंदा काम करना अच्छा या अच्छा काम करना अच्छा? सुनवंशी बनना है या भटकवंशी बनना है? है तो जरूरी, लेकिन वो घर की सफाई जो है वो दास दासी करते हैं या महाराजा महारानी करते हैं? दास दासी करते हैं। जगदम्बा के हाथ में झाड़ू दिया है तो वो दास दासी है? प्रकृति के हाथ में अगर दास दासी है तो प्रकृति दासी नहीं होती है? देवताओं की दासी कौन होती है? प्रकृति दासी होती है। प्रकृति जड़ बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है? जगदम्बा बाप को पूरा पहचानती है या अधूरा पहचानती है? इन्हें बोलने दो ना। बोलो अरे जगदम्बा बाप को पूरा पहचानती है या अधूरा पहचानती है? जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? तो पूरा पहचानती है? छोड़ देती है तो पहचान पूरा पहचानने वाला क्यों छोड़ेगा? नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है? ये तो इनसे पूछो। ये मुरली में तो सिर्फ इतना आया है कि बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा ने रंजना नाम की कोई कन्या थी अहमदाबाद, वो सरेंडर हो गई तो उसने एग्जाम में प्रश्न आया गीता के भगवान कौन, तो उसने ना लिख दिया गीता का भगवान शिव बाबा, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो उसको फेल कर दिया। तो बाबा ने कहा कि ये तो बच्ची बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्रों की जानकारी, इसने सच्ची बात लिखी तो भी इसको फेल कर दिया। आगे चल के बच्ची का नाम बाला होगा, हैं? और ये बच्ची जो है इसका नाम रंजना बदल देते हैं, इसका नाम वेदांती रखते हैं। बाबा खुश हो गए इस बात पे कि बाबा की बात को उसने शास्त्रों को उसने एग्जाम में लिख दिया, बेदरक लिख दिया, भले फेल हो जाओ कोई अर्जा नहीं, तो इसका नाम वेदांती रखा। जाओ तुम वेदों शास्त्रों का अंत करने वाली, अंत करने वाली। दादा वो अभी कहाँ है, कैसे क्या करते? पहले भी दिल्ली में थी, अभी भी दिल्ली में? बाहर है? नहीं दिल्ली में है। ज्ञान से बाहर है? एडवांस से बाहर है? एडवांस एडवांस ज्ञान से बाहर है। मिलो 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 ऐसा आत्मा निकला है पोता में, उसके बारे में कुछ नहीं चाहते हैं, पर छोटा फल होते होते उसके नाम वाला हो जाएगा अभी वक्त में। क्या छोटा फल होते हुए भी एक छोटा सा बालक है दादा, उसने एक कन्या तेरती के उस किनारे में गिरी, उसे बालक ने निकाला, छोटे बालक ने उस कन्या को नदी में से निकाल लिया, नदी से निकाल लिया था। हाँ, और उसका बहुत नाम वाला हो गया, उसका नाम बाला हो गया। पूजन का हिसाब किताब है उस कन्या के साथ, तो गिर गई तो फटाक से हिम्मत करके निकल लाए, कोई निकाल नहीं सकता, वही जाकर निकाल देख लो। उसका पूजन का कोई हिसाब किताब होगा आत्मा का?
तो वो ही निकाल के ले आया। अभी तो उसको सब शास्त्र अंतरराष्ट्रीय वाले सब मानते हैं उनको। अच्छी बात है ना, छोटा बच्चा भी कोई अच्छा हिम्मत का काम करके दिखाए तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है ना। तो कैसा आत्मा होगा? अच्छी आत्मा होगा। नहीं तो अपनी मौत से तो सब डरते हैं, अरे हमने कहीं डूब जाए। उससे पहले तो वो चोरी करके सड़क में घूम के खाता था। ये थोड़ा ही देखा जाता है, बाद में भी पहले क्या करता था? डकैती डालता था। इतना बड़ा कवि बन गया, क्या आदमी सुधर नहीं सकता? बिगड़ा हुआ आदमी सुधर भी तो सकता है। बाबाजी पति तो पावन होने पति पावन बनाने ठीक है, उसी के लिए तो ज्ञान दे रहा है। उसने कृष्ण को मानता है बाबा, उस समाधान के आदमी लोग ने सबको उसने ईश्वर से मानते लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए महाकाली आएगी और सफाई कर देगी। लक्ष्मी का आवाहन करना माने महाकाली अपने आप ही आ जाएगी। महाकाली का आवाहन करना नहीं पड़ेगा, महाकाली का आवाहन करोगे तो महाकाली तुम्हारे ऊपर सवार होगी। वो अपने आप आके जानता है। बिल्कुल है, वो तो दाती है। दाती क्या करती है? दाती को बुलाना पड़ता है कि अपने आप आती है? अपने आप आती है। और वो तो तैयार खड़ी है दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के, हाँ तैयार खड़ी है कि हमको हम हमको 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 जरूरत पड़े तो हम काम करें। हाँ बाबा जी वो दिन बोला है कोई भी सवार सवार में सारा दिन सवार नहीं करता है। ठीक है, तो शिव बाबा भी जब नंदीगढ़ में आते हैं? शिव बाबा नंदीगढ़ में नहीं आते हैं, शिव बाबा बैलू ट्रेवल करते हैं जानवर। मैंने जिस रात में आते हैं उसको नंदीगढ़ लिखा हुआ है उसने। लेकिन शिव बाबा बैल में सवारी नहीं करते, नहीं करते। ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। वास्तव में शिव बाबा तो मनुष्य तन में आते हैं, जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है, जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। लेकिन जिसके जिसमें आते हैं शिव बाबा, शिव बाप, वो व्यक्ति वो मुकर रथधारी जो है वो बैल पर सवारी करता है। बैल है ब्रह्म जो मनन चिंतन मंथन नहीं करता है। तो सारा दिन सवार नहीं करते हैं, घूमते हैं? सारा दिन सवारी थोड़ी होती। तो शिव बाबा भी जो भूपरा रथ में आते हैं वो सारा दिन तो नहीं रहते? शिव बाबा जिस रथ में आते हैं वो कोई बैल है क्या? जो सवार है उसमें अपने रथ पे जब आत्मा सवार हो सकती है तो दूसरी आत्मा उसमें सवार नहीं हो सकती? तो सारा दिन सवार होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। वो तो बैल के ऊपर बताया। अच्छा, वो कोई सवारी हो रही है, वो तो आत्मा सही जा रही है, मनुष्य तन है। तो कंटिन्यू हर टाइम वो उसमें साथ रहते हैं? बिल्कुल, ऐसे ही समझना चाहिए कि शिव बाबा सदैव है ही है। अगर ये समझेंगे अभी इसमें शिव बाबा है, अभी इसमें बैल है, तो बैल याद आ गया तो पति हमारा संग बैल के साथ हुआ या परमात्मा बाप के साथ हुआ? बैल के साथ संग हो जाएगा, तो संग का रंग बैल में लग जाएगा। किसका संग चाहिए तुम्हें? शिव बाबा संग चाहिए तो बैल को क्यों याद करते? हाँ ये भी तो सुनाते हैं तुमको, सदैव यही समझना चाहिए कि शिव बाबा ही है। वो माउंट आबू में ब्रह्मा के शरीर के लिए नंदीगण बोलते हैं सवार हो गया, शिव बाबा के जैसे सवार हो गए। तो शिव बाबा सारा दिन कोई सवार में सवार नहीं होते, जब बुद्धि चलाने का टाइम होता है तो बाबा आते हैं। किसी बच्चे आज की बात क्यों याद करते हैं? अभी जो तुम्हें ज्ञान मिल गया नया, नया ज्ञान में तो तुमने जान लिया कि शिव बाबा कोई जानवर में नहीं आते। जानवर में नहीं आते, लेकिन जिस रथ में आते हैं, जिस रथ में आते हैं वो कर रहे हैं तो मनुष्य तन है, मनुष्य तन है। हाँ बिल्कुल, शिव बाबा शिव बाबा सदैव है, ये मुकर रथ है। मुकर रथ है तो मुकर का मतलब क्या हुआ? मुकर का मतलब क्या हुआ? मुकर माने परमानेंट, परमानेंट माने सदाकाल, सदैव है ही है। आ
अंदर नेपाली है ना, नेपालमा एस हाउसर है। आप नेपाली हैं? आपकी आत्मा सदैव नेपाली रही, चौरासी जन्म नेपाल में जन्म लिया। फिलहाल नेपाल, फिलहाल इस शरीर से आपकी आत्मा ने नेपाल में जन्म लिया। हम तो ये दुनिया में संसार का बनना पड़ेगा है ना, संबंधी न पड़ेगा दुनिया का लोग संग संबंधी है। इस समय तक हमका कर्तव्य क्या है? हम आप नेपाली में धड़ाधड़ बोल जाइए, ताल विधि बता देंगे। हमी ये तो आजकल के समय में बहुत तरह पढ़े हमने तो अपने कर्तव्य के बाहर अपने कुशासन को लाइए हमने क्यों करना पड़ेगा? नेपाल की इसमें जो कंडीशन है वो प्लस लौकिक में परिवार एंटी है वो तो सबके बीच में रहते हुए भी इसमें हम माता ऐसी माताओं के लिए पुरस्कार के लिए कुछ करेंगे, हम कैसे पुरस्कार कर सकते हैं? अभी तक एंटी है, अभी तक शिवबाबा ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। आपने कुछ भी सुना ही नहीं? सब कुछ माताओं के लिए ही बताया है, माताओं को ही खास पढ़ाई पढ़ाने के लिए आपके माताओं का है। सब कुछ माताओं के लिए ही पढ़ाई पढ़ाई है, ऐसी कौन सी पढ़ाई की बात है जो माताओं के लिए नहीं? बताओ बाबा जी पढ़ाई यही सहज है, इससे सहज पढ़ाई और कोई नहीं। बाबा के मुख के आकार से सीधे सुनने से उसका संतुष्टि नहीं हो गया है। करो बाबा जी, माताओं का मुख्य धर्म क्या है? सहन करना, बस सब सब बातें पास हो जाएंगी। बस जो वोहा और सहन करना, कोई मेरा नहीं है। बाबा सूर्य स्थापन के लिए भारत को भी क्यों चुना गया? भारत इसलिए चुना गया कि भारत में ही भगवान इसलिए आते हैं कि भारत सदैव पवित्र रहता है। कन्याओं माताओं का जितना मान भारत में है उतना और किसी दूसरे देश में नहीं है। कन्याओं के लिए पवित्रता के लिए यहाँ घर घर में कितना महत्व दिया जाता है, कन्याओं की सुरक्षा के लिए माँ बाप जान भी दे देते हैं। ऐसा दूसरे देशों में तो नहीं होता, कन्याओं को खुला छोड़ देते हैं, जाओ अपना पति के लो जाके। दहेज तो ज्यादा लेता है ना बाबा, ज्यादा जिम्मेवारी लेते हैं भारत वाले कन्याओं की, दूसरे देश वाले कन्याओं की इतनी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। बड़ी हो जाएंगे धक्का देकर निकालेंगे बाहर, बाहर जाओ चाहे ना मरो जाके। शादी करने के समय में बाबा लड़की से लड़की वालों से ज्यादा दहेज मारते हैं ना लड़के वालों, वही कहते हैं संपत्ति संपत्ति मांगा की परंपरा है कि लड़के वाले लड़की वालों से दहेज मांगते हैं। जो लड़की वाले मांगते हैं, लड़की वाले क्यों टीका वगैरह मांगना, वो दहेज मांगना, ये सब क्यों मांगते हैं? तो भक्ति मार्ग की परंपराएं हैं, ब्रह्मा कुमारियों ने ये शुरू कर दिया, फाउंडेशन ऐसा डाल दिया, जब कन्या सरेंडर होगी तो लाख रुपया दो, दो लाख रुपया दो, चार लाख रुपया दो, सब सरेंडर करेंगे। जो गलत परंपरा है उन लोगों ने डाल दी, झूठे ब्राह्मण, तो वो झूठे ब्राह्मणों की परंपरा भक्ति मार्ग में क्या हुई? शिव बाबा थोड़ी कहते हैं कन्या निशा चिन्ह देना उतना देना, जब कन्या ही दे दी तो और क्या चाहिए? नहीं में तो जो करना चाहती है उनके शादी में और दूसरे दुनिया में जितना खर्चा होता है उतना पैसा चाहिए बोलती है। चाहिए तो ये फाउंडेशन डाल दिया ना, दहेज देने का तो कौन मांगता है? तुम्हारी बेटी कौन पालेगा, कैसे पालेंगे? हाँ तो कौन मांगता है? ये मांगने की परंपरा कितने डाली? बीके शिक्षक नहीं, बीके शिक्षक के पीछे जो ब्रदर बैठे हुए हैं उनको पैसा चाहिए। हाँ वो सारे उल्टे पल्टे काम कराते हैं। ये परंपरा जो चली आ रही है भक्ति मार्ग में कि कन्या से दहेज लेना है कन्या के घर वालों से, ये परंपरा बीके में डाली जाती है। हर बात की परंपरा संगठन में डाली जाती है। बाबा तो नहीं कहते कन्या के साथ में धन देना, बाबा कहते हैं क्या?
बाबा ये 2012 में जो ब्राह्मण शून्य विखंड में आ जाता है बोला ये कैसे आ जाएगा 2012 में जो अभी ब्राह्मण परिवार है ना बाबा इससे बड़ा गड़बड़ होता है 2012 में ब्राह्मण परिवार में गड़बड़ होता है क्या अभी गड़बड़ नहीं है अभी थोड़ा थोड़ा है अभी थोड़ा थोड़ा है ज्यादा ज्यादा हो जाएगा नहीं ब्राह्मण परिवार की गड़बड़ की बात नहीं है प्रथमी में आलोड़न होगा प्रथमी माता जो है जो अभी विदेशियों की बन चुकी है क्या प्रथमी माता का सारा बुद्धियोग किसकर चला गया विदेशियों की तरफ चला गया वो बुद्धियोग विदेशियों से हट करके भारतवासियों की ओर आ जाएगा पृथ्वी की बुद्धि की धुरी चेंज हो जाएगी हाँ ये परिवर्तन होगा पृथ्वी माना कोई चैतन्य कन्या माता है जगदम्बा जो जगदम्बा अभी विदेशियों को सपोर्ट कर रही है विधर्मियों को सपोर्ट कर रही है दुनिया वालों को सपोर्ट कर रही है उसका सपोर्ट होना उधर से बंद हो जाएगा बुद्धि में बैठ जाएगी सब आसुर है राक्षस ये राक्षस संप्रदाय हमारे लिए नुकसानदायक है उनको सपोर्ट करना बंद कर देगी उसका झुकाव किस तरफ हो जाएगा भारतवासियों की तरफ झुका हो जाएगा भारत की तरफ झुका हो जाएगा उसके बाद इसको इसको धरती की जरूरत चेंज हो जाएगी बिल्कुल उसके बाद होगी पहले चैतन्य में परिवर्तन आएगा तो पहले शुभ में परिवर्तन आएगा पहले चैतन्य में परिवर्तन होना चाहिए चैतन्य आत्मा पहले चेंज होगी या जड़ प्रतिबिंब पहले चेंज हो जाएगी जड़ तत्व बाद में तो चेंज होंगे पहले जड़ तत्वों के माने थे जो देवताएं हैं वायु देवता अग्नि देवता सूर्य देवता इतनी चैतन्य आत्मा है ना कि जड़ है वो चेंज होने चाहिए महान भारत में कृष्ण से और जन्मा हुआ बच्चे पढ़ के मत बता ऐसे ही बताती है हिंदी नहीं जानते इसलिए पढ़ के सुना रही है तू नेपाली में बोल दे कृष्ण से आगे क्या हुआ मारा गया ना पहले जो है सात बच्चे मारे गए कृष्ण जैसे सात बच्चों को कंस ने कोस लिया आठवां बच्चा कृष्ण बच गया तो इसका मतलब ये है कि जो आठ नारायण है सतयुग के उनमें पहला बच्चा है कृष्ण और सात नारायण है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नारायण है वो इस समय ब्रह्मा कुमारियों के अंदर कंची जरासंध जी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए उनको भिखारी बना दिया क्या वो भिखारी बुद्धि बने हुए हैं उन्हें स्वर्गवास से कोई मतलब नहीं है उनको तो माया ने अपने पंजे में ले लिया लेकिन कौन बच गया आठवां नंबर कृष्ण बच्चा बच गया तो जो बच गया वो स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त बन जाता है बाकी जो सात नारायण है वो अपोजिशन कर रहे हैं और शकुनी के पास क्या है प्रैक्टिकल में शकुनी का पाठ प्रैक्टिकल में क्या है ये थोड़ी बताया जाता है बाबा ये थोड़ी बताएंगे किसका पार्ट क्या है अपना अपना पार्ट अपने मुख से बता देंगे अपनी चरण से बता देंगे अपने चेहरे से बता देंगे अपनी भाषा से बता देंगे बाबा किसी के पास थोड़ी बताएगा वो तो अद्वैत वाणी में भी बोल दिया है कि अगर तो बाप दादा कोई का पार्ट बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बता देंगे हर एक अपनी चरण से अपने चेहरे से अपनी दृष्टि से अपनी वृत्ति से अपने पार्ट को अपने मुख से ही स्वयं प्रत्यक्ष करेगा जैसे राम वाली आत्मा का पार्ट कौन कौन बोलेगा राम वाली आत्मा ही अपने मुख से बताएगी तो कोई दूसरा बताएगा कौन बताएगा राम वाला ही आत्मा बताएगी बाबा अभी जो एडवांस पार्टी में है ना वो रुद्र माला के मठ है लेकिन जो विजय माला के मठ होने वाला है ना अंत में तो आएंगे एडवांस में
आने वाले ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेंगे ना, एडवांस ज्ञान लेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट शिव बाबा से लेंगे या देवदारी से लेंगे? देवदारी से नहीं वाले मिलेंगे, लेकिन वो चक्कर काटते हुए आएंगे, धीरे धीरे नहीं आएंगे। जो कुछ भी अभी हो रहा है नहीं हो रहा, तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस नहीं जाओगे? जिस घर से वापस आए हो उस घर में जाओगे या नहीं जाओगे? ऐसे कौन कौन बैठे हैं जिन्होंने भर्ती नहीं किए बैठे हुए? एक दो तीन चार पाँच, आज क्यों नहीं उठाते? चार पाँच बैठे हुए पूरा कॉलेज में जाया जाता है, स्कूल में जाए तो वहाँ के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। हमें मेरा मतलब है कि जो रमन दादा जो है वो वही प्रिंस बनेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं देना चाहिए क्या? क्योंकि तुम जब रस्ती आके स्कूल में बैठ गए जबकि यहाँ बताया जाता है कि 7 दिन का भर्ती करने के बाद आधे से ज्यादा प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। नहीं एडवांस करने के लिए भी कोई कुछ कंफिडेंस तो सही है नहीं यहाँ पे। वो तो भाई लोग कराए ना, माता लोग कराए, बाबा का कारण बाबा का कारण अभी यहाँ आई गए तो उनका पार्टी प्रश्नों का समाधान हो ही नहीं पाएगा जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं लोगे। कोई कन्या हो, माता हो, कोई भाई हो, उसके साथ बैठ करके 7 दिन का कोर्स लो। कोर्स लोगे तो फिर कोर्स आ जाएगा। 7 दिन के कोर्स में बताया जाएगा। बाबा आपने कहा जिस कार में नहीं जाना कार में जाना है, ठीक है? जब गीता फायर मंथन करेंगे तो गीता में जाएंगे, गीता फायर मंथन करेंगे तो गीता में जाएंगे ना, ठीक है? विस्तार में जाके फिर जब मौका मिले तभी फिर कार में बिंदी उठे मिले, जितना बिंदी को याद करेंगे उतना विस्तार में बुद्धि अपने आप आ गई। त्रेसठ जन्म आत्मा का क्या प्रैक्टिस है? आत्मा की प्रैक्टिस है विस्तार में जाने की। अब बाबा क्या करा रहे हैं? त्रेसठ जन्मों के विस्तार से हट करके कहाँ आ जाओ? सत्य त्रेता की बिंदी आत्मा, मैं आत्मा क्या हूँ? बिंदी आत्मा, वहाँ सबको आत्मा याद रहेगी। कहाँ सत्य त्रेता हूँ, वहाँ किसी को देह याद आएगी? देह याद आएगी भी तो भी उस आत्मा के साथ देह याद आएगी। जैसे कृष्ण राधा को याद करता है, राधा के ऊपर दृष्टि जाती है, राधा की दृष्टि कृष्ण के ऊपर जाती है। तो देह तो है लेकिन साथ साथ क्या है? आत्मा जी, कोई दूसरी आत्मा याद नहीं आएगी। दादा इसलिए कार में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और विस्तार में जाने के लिए कोई मेहनत की दरकार नहीं है। वो नारायण ने चार श्राप मिला ना, धीरा ने श्राप दिया ना, पत्थर हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, ऐसा ऐसा चार श्राप दिया था ना, उसका अहिल्या को ना धीरा ने नारायण को श्राप दिया ना, हाँ। नारायण को दे दिया तो पत्थर बुद्धि नारायण वाली आत्मा हो जाती है ना आदमी जन्म में? विष्णु को दे दिया। जो नारायण वाली आत्मा है वो आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है या नहीं? पत्थर का लिंग बनती है, है? वो पत्थर का लिंग किसकी यादगार है? राम लिंग में बिंदु तो शिव की यादगार है, राम वाला आत्मा शिव प्रवेश करता है बिंदु, लिंग किसकी यादगार है?
राम वाला राम वाली आत्मा की नारायण वाली आत्मा की याद रहा वो पत्थर बन जाती है अगले जन्म फिर कर तो पीछे चार चार साथ है ना एक तो पत्थर एक तो कल पीछे पत्थर बुद्धि पार्क बुद्धि शिव बाबा बनाते जितना शिव बाबा को याद करेंगे घास को ऐसा ऐसा चार साथ दिया था ना बिंदा ने उसको खास अर्थ क्या क्या है क्या बोल रहे खास अर्थ क्या है घास खास अर्थ क्या है बता दिया ना नारायण वाली आत्मा ही शिवलिंग है जो पत्थर का लिंग बन जाती है क्या अभी सोने का लिंग कोई नहीं बनाता चांदी का लिंग नहीं बनाते हैं साई का लिंग बनाते हैं पत्थर का लिंग बनाते हैं कलयुग के अंत में तो राम नारायण वाली आत्मा पत्थर बन गई पत्थर बुद्धि बन गई नारायण तो पत्थर बुद्धि में शिव प्रवेश करता है बिंदु तो शिवलिंग में बिंदी दिखाई जाती है जैसे सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया जाता था ये पीपल की बोर्ड में पूजा करने का आपसे क्या होगा कहते हैं कि जब नई सृष्टि रची गई तो पहले पहले सागर में पीपल के पत्ते पर श्रीकृष्ण बन के आया सृष्टि का पहला पत्ता कौन श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण वाली आत्मा माने ब्रह्मा वाली आत्मा तो शताब्दी में 87 में पीपल के पत्ते में गर्भ के रूप में विराजमान आई इसका मतलब पीपल का पत्ता कोई दूसरी आत्मा है कौन है सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाला पत्ता कौन सा होता है पीपल का जैसे और पत्ते इतने हवा के झोंके से नहीं हिलेंगे लेकिन पीपल का पत्ता ज्यादा ही लेंगे क्योंकि 84 जन्म लेने वाला है कृष्ण तो वो जो आत्मा है जगदम्बा की वो या ब्रह्मा वाली आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है वो माया के झोंके ज्यादा आते हैं सबसे ज्यादा हिलती जुलती है तो वो हिलने डुलने वाली आत्मा है इसलिए पीपल का पत्ता नवैया के रूप में दिखाया उस नवैया में यानी जगदम्बा के व्यक्तित्व में वो कृष्ण की सोल प्रवेश होती है माना गर्भ महल दिखाया गया वो गर्भ महल में वो कृष्ण वाली आत्मा आराम से अपना स्मृति रूपी अंगूठा चूसते हुए दिखाई गई संसार सागर में पड़ी हुई है सागर कैसा है विषय सागर तो विषय सागर में जगदम्बा की सोल अपना पार्ट बजाती है किसके बीच में है विधर्मियों के बीच में विकारियों के बीच में है कि निर्विकारियों के बीच में विकारियों के बीच में तो विषय सागर हो गया उस विषय सागर में रहते हुए भी वो नैया डोलेगी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी क्यों नहीं डूबेगी क्योंकि उसमें कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा पवित्र आत्मा विराजमान इसलिए पीपल के पत्ते पर कृष्ण विराजते हैं नाव बनाई हुई है इतनी हल्की नाव होती है कोई और दूसरी रुद्रमाला के मन के हैं वो फिर भी मजबूत है लेकिन वो पत्ता बहुत हल्का फुल्का है लेकिन डूबेगा नहीं क्योंकि पावरफुल सोल उसमें विराजमान उसमें हर गाड़ी विराजमान रहता है कभी कभी तुम्हारी यही समझते हर गाड़ी विराजमान समझ रहे ऐसे तो उस आत्मा का पार्ट दो तरफा है आपके पास ही आता है ना वो दो तरफा पार्ट ये है कि जब जब बीज रूपी स्टेज में होता है तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है जब सूक्ष्म शरीर में होता है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गुलजार दादी में प्रवेश करता है गुलजार दादी में प्रवेश अब धीरे धीरे बंद होता जाएगा हाँ वेद की गुलजार है उसमें प्रवेश होता जाएगा नंबर बिल्कुल
अच्छा छोड़ने से पहले संगम जी करते की प्रकटता होने से पहले कभी सोता ही रहेगा दिल पत्र का अर्थ क्या है दिल पत्र रेल पत्र रेल पत्र जिसके तीन पत्ते होते हैं एक ही डंडे में इकट्ठे मूर्ति का चित्र नहीं देखा क्या याद नहीं आया आ गया हाँ वो तीन पत्ते हैं शक्ति के आगे में ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो अपने को पूरा पूरा भगवान के कार्य में अर्पण कर देते हैं तो उसकी यादगार में भक्त लोग क्या करते हैं बेल पत्र को उठा के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं। उन पत्ते की बात नहीं है वास्तव में तीन चैतन्य पत्तों की बात है जो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देते भक्ति करना को लगी चाहिए हम तो बुझे भक्ति को लगी नहीं बुझाने नहीं बताओ ये बात बताओ उनको त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है शिवलिंग के ऊपर वो पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं तीन पत्ते भक्ति और लिए एक पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते दो पत्ता क्यों नहीं चढ़ाते ढेर सारे पत्ते होते हैं कोई कोई डाली वो क्यों नहीं चढ़ाते तीन पत्ते ही क्यों चढ़ाते हैं क्योंकि सत्य की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले पहले तीन पत्तों को भगवान ने पकड़ा अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जो भगवान शिव के ऊपर 100% अर्पण होते हैं एक ब्रह्मा दूसरा विष्णु और तीसरा चंद्र बाबा जब राम सीता को वरण करने के लिए जाता है वो धनुष जब वो उठाता है तो वो धनुष टूट जाता है इसका वेद में से क्या टूट नहीं जाता है अपने आप तोड़ देता है वो शिव का धनुष जो है शिव का धनुष था वो कदम था शिव का धनुष था दधीच ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था अपने ज्ञान में दधीच ऋषि कौन है ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ करके आगे कौन चला गया उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को भी तोड़ दिया हाँ उसका इससे भी क्रैक कर लिया आगे निकल गया हो गया बाबा घर घर का दुशासन भगवान को शक्ति कति कसरी जमा करने घर घर का कहाँ कहा भगवान तो पिछले जन्म में तुम नहीं ढूंढा कुल दुर्योधन से है कि नहीं तुम भगाने की क्या बात है भगाना क्यों है अपने मन को कंट्रोल करना है अरे दुर्योधन दुशासन घर घर में बैठे हुए हैं दुर्योधन दुशासन अपनी पत्नी के ऊपर कुछ अत्याचार करता है जोर जबरदस्ती करता है तो पत्नी का काम है सहन करना क्या सहन करना अपने मन को बाबा की याद में ऊपर उड़ा दो खुद मुर्दा बन जाओ मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा करेगा एक बार करेगा दो बार करेगा चार बार मुर्दा है तो जाके बाहर खड़ा होगा बनाने की क्या बात है बड़ी मुश्किल काम है अरे कंट्रोल अपने मन को करना है कोई दूसरे को भी कंट्रोल करना है जब तुम दुर्गा बन जाओगे या पूरा सत्य लागू करोगे तो कोई दूसरा पास में आ ही नहीं सकेगा वो ठहर नहीं सकेगा वो कुछ ही करेगा ब्रह्मा भगवान शादी नहीं हुई है गलिए दम के मार में